हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। दिस इज मोहम्मद शुएब इब्राहिम एंड बेसिकली आई बिलोंग्स टू सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। सो गाइस, जो फिलहाल मैं आप लोगों को सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स, और आरसीसी, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट और फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है। सो गाइस, क्या करेंगे हम, बैक टू बैक एक एक लेक्चर डालते रहेंगे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को आरसीसी पढ़ाया था मैंने, काफी वर्ड्स क्लियर भी हुए होंगे आपको। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो फ्लूइड मैकेनिक्स का स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रेशर सारे बताए थे, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बहुत अच्छे से बताया था। देखो, जिसको नहीं समझ में आया था वो जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, मैंने वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, जरा उनको देखो एक बार, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा यार, ये गारंटेड है, गारंटी मेरी है। ठीक है। तो आज प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है यार, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा ज्यादा करना है यार। देखो, जब भी तो मोटिवेशन आता है ना, जब लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, अदरवाइज मोटिवेशन ही नहीं आएगा ना डालने का लेक्चर्स। और ठीक है, नॉलेज ऐसी मिल जाएगी और जो कहीं नहीं मिलेगी, इतनी गारंटी है। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, जो प्रेशर को मेजर करते हैं वो करते हैं हम, जो डिवाइस है वो ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट, बैरोमीटर। और ये किसने डिस्कवर किया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, टॉरिचेलाई। ठीक है। अब बैरोमीटर से हम कैसे प्रेशर मेजर करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए पहले आप, कि इट इज अ ट्रेडिशनल डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एट डिफरेंट लेवल्स। देखिए, बैरोमीटर क्या है, हमारा एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है जिससे हम क्या निकाल लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जनरली हम इससे क्या मेजर कर लेते हैं, और किसी भी हाइट पे आप इसके इजीली प्रेशर को मेजर कर लेंगे, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर। अब थोड़ा सा बैरोमीटर इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, तरीके से समझाता हूँ और इसको, कि किस तरीके से हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, क्या वैल्यूज आती हैं, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आज आपको। जो हमारा बैरोमीटर होता है एक थिन ग्लास ट्यूब होता है, ये थिन ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब होती है ये, जिस ग्लास की आपने ट्यूब्स देखी होंगी ना उसी वैसी होती है ये, और जिसका डाया कितना होता है, 12 mm। ठीक है। अब हम सबसे पहले कैसे करेंगे प्रेशर, अब हम कौन सा प्रेशर मेजर करते हैं, अब थोड़ा लाइन पे आ जाओ, प्रेशर के कौन सा मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्यूब लेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, बैरोमेट्रिक ट्यूब। जिसका डाया कितना था, 12 mm। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, हम एक कंटेनर लेंगे, ग्लास का ही कंटेनर होता है ये भी। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले क्या ले लिया, एक बैरोमेट्रिक ट्यूब ले ली जिसको ग्लास ट्यूब भी बोलते हैं, जिसका डाया कितना होता है, 12 mm। उसके बाद हम क्या लेंगे,
एक कंटेनर लेंगे ग्लास का ही, और उसमें हम क्या कर देंगे, मरकरी को फिल कर देंगे, जो हमारी एच जी होता है ना, एच जी मरकरी लिख देता हूं, मरकरी को इसमें फिल कर देंगे। हमने कंटेनर, ये क्या है हमारा कंटेनर। अब क्या करेंगे हम, देखो प्रैक्टिकल देखो यहीं पर ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो ये बैरोमेट्रिक ट्यूब है, इसके अंदर भी हम क्या कर देंगे, सपोज इसको अब हम सीधा कर लेते हैं, इसके अंदर भी हम क्या कर देंगे, एच जी फुल कर देंगे। एच जी मीन्स मरकरी। कंटेनर के अंदर भी आपने मरकरी को फिल कर दिया, आपने बैरोमेट्रिक ट्यूब के अंदर भी मरकरी को फिल कर दिया। अब आपने क्या करना है, जैसे हमारी ये, इसको आप मान लीजिए ग्लास ट्यूब, बैरोमेट्रिक ट्यूब, आप आपने क्या करा, इसको पूरा फिल कर दिया, किससे, पूरा पूरा भर दिया आपने इसकी, किसको, किससे, मरकरी से। अब आपने क्या करना है, जो इसकी ओपन वाली साइड है, ये ओपन माउथ ओपन है ना, यहां से ये ओपन साइड है ना, ओपन साइड है ना ये। अब आपने क्या करना है, इस ओपन साइड पे इस तरीके से अंगूठा लगा लेना, इस तरीके से अंगूठा ऐसे लगा लिया और ऐसे पकड़ लिया, और इसको जब आपने इसको इसकी ओपन साइड में अंगूठा लगा लिया, थंब लगा लिया, तो अब आप इसको ऐसे करोगे कि नहीं गिरेगा ना। अब आपको जब ये इसमें इस तरीके से अंगूठा लगा के, और आपने क्या करना है, इस मरकरी में इसको डाल देना है, इस कंटेनर में। जब आप इसके कंटेनर को कंटेनर में उल्टा डालोगे, तो आपको नहीं लगता मरकरी गिरेगा इसमें से, जो एच जी है हमारा, वो इसमें से कुछ ना कुछ गिरेगा। पहले अगर ये पूरा फिल था, सपोज ये अगर पहले फिल था, पूरा कंप्लीटली फिल था, ये पूरा भरा हुआ था ना शुरू में, जब हमने इसको कंटेनर में डाला, तो आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ शुरू में इसका ये लेवल था। देखो ये लेवल मैंने थोड़ा निशान बना दिया, ठीक। जब इसमें हमने क्या, कंटेनर को, बैरोमेट्रिक ट्यूब को हमने कंटेनर में डाला, तो आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ मरकरी इसमें गिर जाएगा, कुछ ना कुछ मरकरी गिरेगा ना इसमें, इस कंटेनर में गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, जब कंटेनर में गिरेगा, तो आपको नहीं लगता कि लिटिल बिट लेवल राइज हो जाएगा हमारा। पहले लेवल यहां तक था, अब लेवल हो गया यहां तक, तो इसको मैंने ऐसे बना दिया। तो अब आप यहां पे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो राइज इन लेवल ऑफ मरकरी, ठीक है, लेवल राइज हो गया, लेवल राइज हुआ। लेकिन एक चीज और भी तो हुई ना, कि जब बैरोमेट्रिक ट्यूब से हमारा मरकरी गिरा, तो कुछ ना कुछ यहां पर वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहां तक वैक्यूम अच्छे से बताया था मैंने, एयर मॉलिक्यूल्स की कमी होना, एयर मॉलिक्यूल्स की कमी हुई और लिक्विड भी वहां से कम हो गया, तो वहां पर क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो यहां पर क्या क्रिएट हुआ, वैक्यूम, वैक्यूम क्रिएट। अब होता क्या है, होता क्या है कि लिटिल बिट इसका लेवल राइज हो जाता है, और जो हमारा बैरोमेट्रिक ट्यूब है, इसका लेवल क्या होता है, इसका लेवल क्या होता है हमारा, फॉल होता है। पहले लेवल क्या था, पहले लेवल ये था, यहां से यहां तक इनिशियल लेवल तो ये था ना, तो कुछ ध्यान से समझो, ऐसे मत करना कि यहां पर खिचड़ी बन जाएगी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, बट ध्यान से समझोगे ना तो एकदम से क्लियर समझ में आएगा आपको। इनिशियल लेवल, ये इनिशियल लेवल था, और उसके बाद क्या हुआ, कुछ उसमें से मरकरी कहां गिर गया, जाके हमारा कंटेनर में गिर गया, और उसके बाद क्या, कितना क्या बचा, जो लेवल फॉल हो गया हमारा, उसको सपोज हमने बोल लिया एच। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर जब आपने बैरोमेट्रिक ट्यूब में अंगूठा लगा के इस कंटेनर में डाला, तो सारा का सारा क्यों नहीं गिर गया। देखो गिरना स्टार्ट हुआ था, लेकिन एक टाइम के बाद वो पूरा सडनली स्टॉप क्यों हो गया। सडनली स्टॉप इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर ये चीज क्या है, ये क्या है, ये मरकरी है ना, फ्लूड है ना, फ्लूड, और यहां पर कौन सा प्रेशर, यहां पर ये क्या है, एटमोसफेयर है, और यहां पर कौन सा क्या प्रेजेंट है, यहां पर एयर प्रेजेंट है, तो एयर भी तो एक प्रेशर लगा रही होगी ना, यहां पर एक एयर एक प्रेशर लगा रही होगी ना। इस प्रेशर को ये हम क्या बोलते हैं, कहां लिखूं इसको, जगह भी नहीं दिख रही मुझे, चलो इसको यहां लिख लेते हैं। देखो ऐसे करके मैंने ऐसे लिख लिया, एरो बना दिया, एटमोस्फेरिक प्रेशर,
इट मींस कि आपने जब बैरोमेट्रिक ट्यूब पे अंगूठा लगा के उसके अंदर कंटेनर में डाला, तो उसमें से मरकरी क्या है इस कंटेनर में गिरने लग गया। लेकिन सडनली क्या हुआ, वो एकदम से रुक गया। वो क्यों रुका, क्योंकि वहां पर एक प्रेशर लगने लग गया, एटमोस्फेरिक प्रेशर। जो एटमोस्फेरिक प्रेशर अब इसको और ऊपर, एटमोस्फेरिक प्रेशर नीचे को लगा रहा है इस पे प्रेशर, इस फ्लूइड पे, और ये क्या चाह रहा है कि ऊपर राइज होना। जब ये राइज ऊपर राइज होना चाह रहा है और ऊपर ये ऊपर को जाना चाह रहा है और ऊपर से नीचे को एक प्रेशर लग रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसको एटमोस्फेरिक प्रेशर बैलेंस कर रहा है। जब इसको बैलेंस कर रहा है तो एक स्टेज ऐसी आती है कि अब इसमें से और मरकरी नहीं गिरेगा और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो अब हमें क्या है, हमें मिल जाता है फॉल, कि कितना फॉल हुआ, कि जो मरकरी है बैरोमेट्रिक ट्यूब में ये कितना फॉल हुआ, इसको लिख लेते हैं फॉल। ठीक है, अब इस एच की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दिस एच, लिखो विद द हेल्प ऑफ दिस एच, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉल इन बैरोमेट्रिक ट्यूब, बैरोमेट्रिक ट्यूब में फॉल कितना हुआ था एच, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉल इन बैरोमेट्रिक ट्यूब एच वी फाइंड एटमोस्फेरिक प्रेशर। इसी की मदद से हम क्या निकालेंगे, हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर। यार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना, फिर बताता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझाऊंगा। कुछ नहीं करना होता है आपने, बैरोमेट्रिक ट्यूब से आपने कैसे निकालना होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर, आपने सबसे पहले क्या करना होता है, एक कंटेनर लेंगे आप, उस कंटेनर में आपने मरकरी को फिल कर देना है, फिर आपने एक बैरोमेट्रिक ट्यूब लेनी है, उस बैरोमेट्रिक ट्यूब को भी ऊपर तक क्या कर देना है, मरकरी फिल कर देना है। उस मरकरी में जिधर से साइड उसका ओपन माउथ होगा, ओपन साइड होगा, उसमें ऐसे थंब लगाना है और उसको कंटेनर में डाल देना है। जब उसको कंटेनर में डालोगे तो क्या होगा, उसमें से मरकरी है वो इस कंटेनर में गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो कंटेनर में गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो इस मरकरी का जो कंटेनर में है उसका कुछ ना कुछ लेवल राइज हो जाएगा, इसका कुछ ना कुछ लेवल राइज होगा, और जो बैरोमेट्रिक ट्यूब है उसमें उसमें से क्या होगा, उसमें से कुछ ना कुछ मरकरी का लेवल फॉल हो जाएगा, जिसको एच बोलते हैं, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम। और सडनली एक आफ्टर एन स्टेज वो एक सडनली स्टॉप हो जाएगा गिरना। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेशर लग रहा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या कर देता है, इसको बैलेंस कर देता है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस फॉल इन बैरोमेट्रिक ट्यूब वी फाइंड आर एटमोस्फेरिक प्रेशर। थोड़ा इसको रफ कर देते हैं, फिर और अच्छे से समझाएंगे आपको। अब आप लिखिए, व्हेन वी परफॉर्म, देखो जो मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल आपको बताया, मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया कि एच कैसे निकल रहा है, इसमें से कितना निकल रहा है ये नहीं बताया, कैसे निकल रहा है, कैसे क्या प्रोसेस है, वो मैंने आपको बताया। अब आप क्या करेंगे कि व्हेन वी परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल एट मीन सी लेवल द वैल्यू ऑफ एच इज, एच क्या है यहां पर, ये जो फॉल हो रहा है, वैल्यू ऑफ एच इज 760। देखो इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गया, यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। 760 mm ऑफ एच जी मतलब क्या है इसका, कि जब हम मीन सी लेवल कहां पर है हमारा, इंडिया में, मुंबई में। जब हम मीन सी लेवल पे ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो जो हमारी एच है ना, ये एच जो ये एच है हमारा, एच की कितना फॉल होता है, एच की वैल्यू क्या आती है, जब हम मरकरी से फिल करके ये पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, एच की वैल्यू आती है 760 mm, 760 mm आती है। मतलब क्या है कि ये एच की वैल्यू है, लो इसको यार स्मॉल ही लिखिए, कैपिटल एच मत लिखिए, 760 mm। जब आप क्या करोगे, जब इसकी ये 760 mm ऑफ एच जी, अब इससे हम क्या निकालेंगे, एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो पी एटीएम लिख सकता हूं इसको, सफिक्स में एटीएम। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता था, रो इंटू जी इंटू एच।
अब क्यों कंटेनर में क्या है, कंटेनर में मरकरी है तो डेंसिटी भी, ये रो क्या होती है, रो हमारी डेंसिटी होती है, जी ग्रेविटी, एच फॉल इन बैरोमेट्रिक ट्यूब। तो रो रो के सफिक्स में क्या जाएगा, एच जी। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होता है, 13,600, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू क्या लेते हैं हम हमेशा और हमेशा, 9.81। और एच की वैल्यू अभी कितनी हमें पता चली है कि स्टैंडर्ड है, आप नेट में सर्च करके देख सकते हैं कि एट मीन सी लेवल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच इन बैरोमेट्रिक ट्यूब, वो सीधा सीधा लिख के देगा आपको 760 mm ऑफ एच जी। तो कितना ले लेंगे आप, 760 mm। तो 760 mm को आप, सब कुछ मीटर में चल रहा है ना, तो मीटर में ले लेंगे आप 0.760। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसकी वैल्यू शायद आएगी आपके पास 101,396 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, पास्कल भी बोल सकते हैं ना। इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, लमसम ये कितना आया, 101,396, लेकिन हम इसको लमसम कितना ले लेते हैं, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। अब आपको क्वेश्चन देखो, यहां से दो ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मरकरी एट मीन सी लेवल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सॉरी व्हाट इज द लेवल ऑफ फॉल इन बैरोमेट्रिक ट्यूब एट मीन सी लेवल। तो आप सीधा सीधा बोलोगे 760 mm ऑफ एच जी। दूसरा क्वेश्चन वो पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 760 mm ऑफ एच जी। तो कितना होगा वो, 101, ये वाला नहीं आपने टिक मारना, हमने मारना टिक, 101,325 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आप आपको क्लियर हो गया है। अब इसको थोड़ा प्रूव करते हैं। अब प्रूव हम क्या करेंगे, 760 mm की किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इसको फिर रफ कर देता हूं मैं। एच की वैल्यू हमने कितनी बताई मीन सी लेवल पे, हमेशा और हमेशा कितनी होगी, 760 mm ऑफ एच जी। ठीक है, पी की वैल्यू, प्रेशर पी एटमोस्फेरिक क्या होता है, रो इंटू जी इंटू एच। अब आपको ये तो सबको पता होगा कि 760 mm ऑफ एच जी है, देखो ये तो सभी को पता होता है ना, लेकिन हमने प्रूव करना है। ये भी सबको पता है और सबको ये भी पता है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना कितना होता है, एक एटीएम में 101,325 पास्कल। तो अब आपने क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू डाल देनी यहाँ पे, 101,325 पास्कल, और रो की वैल्यू कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13,600 और जी की 9.81 इंटू एच। तो यहां से भी आपको एच की वैल्यू 760 mm, 0.760 मीटर या फिर 760 mm ही मिल जाएगी। तो यहां से भी आपको 760 आपको इजिली प्रूव हो गया कि ये एच की वैल्यू किस तरीके से फॉल 760 mm ही आया होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि सर ये तो आपने बता दिया कि हमने बैरोमेट्रिक ट्यूब में मरकरी को फिल कर लिया और कंटेनर में भी हमने मरकरी को फिल कर लिया और हमने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया। क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सर अगर हम इस कंटेनर में भी वाटर फिल कर दें और इस बैरोमेट्रिक ट्यूब में भी हम वाटर फिल कर दें और तब हम अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म करें तब क्या होगा और तब क्या इस एच की वैल्यू आएगी, क्वेश्चन तो ये भी बनता है ना। चलो उससे पहले आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं, उससे पहले क्वेश्चन एक बता देता हूं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बैरोमेट्रिक ट्यूब इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट डिफरेंट लेवल। सपोज जैसे हम लोग देहरादून वाले हो गए तो मसूरी है हमारा, मसूरी हमारा हाइट पे है, अगर हम यही प्रैक्टिकल परफॉर्म मसूरी में करेंगे तब क्या होगा, देखो तब क्या होगा। अब आप एक चीज देखिए, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं, जैसे जैसे आप हाइट में जाते हैं एयर मॉलिक्यूल्स की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, हो जाती है नहीं हो जाती, थोड़ा रफ करते हैं। जब एयर मॉलिक्यूल्स की कमी स्टार्ट होना हो जाएगी, जैसे जैसे आप हाइट में जाओगे आपको नहीं लगता
कि जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, जो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये क्या करेगा, अब ये जहां जब यहां पर एयर मॉलिक्यूल्स की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये प्रेशर भी कमी लगाएगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो ये प्रेशर लग रहा है, ये एयर ही तो लगा रही है ना यहाँ पर प्रेशर। जब एयर ही मॉलिक्यूल्स की कमी होना स्टार्ट हो गई, तो यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम लगेगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लगेगा, तो इसमें से जो ये मरकरी है ना बैरोमेट्रिक ट्यूब में से, ये ज्यादा गिरेगा और इसका फॉल और ज्यादा, इसका राइज और ज्यादा होगा, ये और लिटिल बिट राइज होगा। जब लिटिल बिट राइज होगा, तो इसमें से ज्यादा मरकरी नीचे गिरेगा, ज्यादा मरकरी नीचे गिरेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा वैक्यूम क्रिएट होगा, ज्यादा वैक्यूम क्रिएट होगा तो ये एच की वैल्यू जो है ना, ये अब और कम आना स्टार्ट हो जाएगी, फॉल ज्यादा होगा। सपोज यहां पर जब हम किसी हाइट पर जाते हैं, एच की वैल्यू 600 mm आ गई, हाँ, तो अब आप कैसे निकाल लोगे, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13,600, जी की वैल्यू 9.81 और एच की वैल्यू 600 mm। देखो पहले फॉल एच की वैल्यू 760 mm आ रही थी, किस पे, आपकी मीन सी लेवल पे। अब आपने क्या करना, मीन सी लेवल से हाइट पे चले गए, सपोज आपकी कोई पहाड़ी इलाके में चले गए, ऊपर काफी ज्यादा हाइट में चले गए आप, तो ज्यादा हाइट में जाओगे तो क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल्स की कमी हो जाएगी, एयर मॉलिक्यूल्स की कमी हो जाएगी तो ये फॉल क्या करेगा, और ज्यादा होगा। अब मान लो अभी भी ये यहां पर था, तो अब ये और यहाँ नीचे हो जाएगा, ज्यादा गिरेगा, तो सपोज 600 mm, तो इंटू एच की वैल्यू, सपोज ले लिए यार, जब परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल वो तभी मिलेगी एग्जैक्ट वैल्यू, तो 0.6 जो भी आपकी वैल्यू आएगी, वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा उस जगह का, कुछ भी हो सकता है। ये जो 760 mm ऑफ एच जी है, ये हर जगह नहीं होता। आप ये मत बोलना कि सर मैं अपने घर में जाके परफॉर्म करूंगा प्रैक्टिकल तो 760 mm ही आएगा क्या, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ मीन सी लेवल का है, मुंबई जाना पड़ेगा आपको मीन सी लेवल में। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ, कि व्हेन वी परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल विद द हेल्प ऑफ वाटर, अगर वाटर, अब आपने क्या करा, वाटर फिल कर दिया इसमें, अब आपने इस कंटेनर में भी वाटर फिल कर दिया और इस बैरोमेट्रिक ट्यूब में भी आपने वाटर फिल कर दिया, तब क्या होगा, तब इस एच की वैल्यू कितना फॉल होगा, एच की वैल्यू क्या आएगी, ये फाइंड कर लेते हैं हम, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब पी एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, पी एटीएम रो इंटू जी इंटू एच। ठीक है, हमें एच की वैल्यू निकालनी है यहां पर, तो देखो प्रेशर तो सेम ही रहेगा ना, चाहे आप वाटर फिल कर लो मीन सी लेवल पे इस कंटेनर में और बैरोमेट्रिक ट्यूब में, चाहे वाटर फिल कर लो, प्रेशर तो सेम ही लगना है ना, प्रेशर तो कौन लगा रहा है, एयर मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं लिक्विड के ऊपर, प्रेशर में तो कोई कमी नहीं आएगी। जब प्रेशर सेम लगना है, तो प्रेशर की पी एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू तो वही रहेगी ना, 101325, आप लिख लीजिए 101325। अब रो डेंसिटी किसकी आएगी फिर, वाटर की आएगी, जब वाटर फिल कर दिया तो 1000 इंटू जी 9.81 इंटू एच, एच ही तो फाइंड करना है कितना फॉल हो रहा है वाटर में, तो जब आप ये सब चीजें करोगे तो एच की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10.3 मीटर ऑफ वाटर। एक ऑब्जेक्टिव और बन गया आपका यहां से, और एक मैं बोल रहा हूं इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन बन चुका है यहां से, कि व्हेन यू परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल एट मीन सी लेवल, द लेवल द फॉल इन द फॉल ऑफ मरकरी इन बैरोमेट्रिक गेट्स 760 mm ऑफ एच जी, और ये कितना हो जाएगा 10.3 मीटर ऑफ वाटर। तो दो क्वेश्चन बन गए ना, कि मरकरी फिल करोगे तो कितना कितना फॉल होगा 760 mm, और ये जब वाटर फिल करोगे तो तब कितना फॉल होगा 10.3 मीटर, दो क्वेश्चन बन गए, 760 mm ऑफ एच डी, देखो कितना डिफरेंस है। मतलब ये है कि अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, तो सर हम वाटर क्यों नहीं ले लेते, एक चीज बताइए यार आप लोग, ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर मशीन देखी आपने, ब्लड प्रेशर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर आप चेक करवाते हैं अपना, तो ब्लड प्रेशर मशीन में आपने देखा होगा उसके अंदर मरकरी होती है, मरकरी पहले राइज करती है फिर फॉल करती है, आपके ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग बताता है ना वो, ऐसे यहाँ पे बांध लेता है पहले आपके हाथों में और फिर आपका ब्लड प्रेशर बताता है। तो आपने देखा होगा कि उसमें मरकरी फिल करके रखते हैं, वाटर क्यों नहीं फिल करता, अगर वाटर फिल करेगा ना वो, वाटर फिल करेगा
इतना इतना एक एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर पे 10.3 मीटर, 10.3 मीटर, अब इसको 3.21 से मल्टीप्लाई कर लो, इतने फिट्स आपने फॉल करेगा वो, मतलब अगर ब्लड प्रेशर मशीन जो होगी ना आपकी, ब्लड प्रेशर मशीन वो 2-3 बिल्डिंग्स के बराबर, मतलब ये है कि 2-3 फ्लोर के बराबर आपको ब्लड प्रेशर मशीन लानी पड़ेगी अगर आपने वाटर फिल करोगे। अब उसी के कंपैरिजन में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये कितना फॉल कर रहा है, सिर्फ 760 mm। अब ये देखिए ना कितना डिफरेंस है, ये 10.3 मीटर है, 1 मीटर में भी 1000 mm होते हैं, ये 10.3 मीटर फॉल करेगा, कितना ज्यादा है यार 10.3 मीटर, और ये 760 mm ऑफ एचजी प्रेशर सेम है, उतना ही बता देगा कि आपका इतना प्रेशर है। एक अगर मान लो आपका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इतना होने का नहीं, वैसे अगर आपकी बॉडी में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो बता देगा कि 760 mm ऑफ एचजी। और अगर उसी कंपैरिजन में अगर उसमें वाटर फिल हुआ होता ब्लड प्रेशर मशीन में तो कितना बता, 10.3 मीटर, इतनी बड़ी बड़ी मशीन है ब्लड प्रेशर की यार, कहाँ पे ले जाओगे, इतना थोड़ी मुश्किल होता है। अब इसीलिए हम क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा ब्लड प्रेशर मशीन हो गई, या फिर हम जब हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं बैरोमेट्रिक ट्यूब वाला, इसीलिए हम इसमें मरकरी फिल करते हैं, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी कंपेरिजन टू वाटर बहुत ज्यादा होती है। वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और मरकरी की कितनी है, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लगभग 13.5 गुना, 13.5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तब जाके आएगा इतना ही, 13.6 से मल्टीप्लाई करोगे तब मरकरी का डेंसिटी उसके बराबर होगी। मतलब ये कि यार ये कम वॉल्यूम में ज्यादा आ रहा है और ये कम वॉल्यूम में कम आ रहा है, तो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है ना, ज्यादा सॉरी ज्यादा वॉल्यूम कवर कर रहा है ना ये वाटर, तो इस वजह से हम हमेशा और हमेशा मरकरी को ही फिल करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो आप लोगों को सभी समझ में आ गया होगा आज तो, और तो ऐसा कुछ ना, एक एक चीज और बची है। तो अब ये जो बैरोमेट्रिक ट्यूब है हमारा, बैरोमीटर है, किसने डिस्कवर किया था, एक साइंटिस्ट थे हमारे, अरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना यार, पता चला आप लोग करते ही नहीं हो। हाँ, हमारे जो साइंटिस्ट थे टॉरी चिलाई, इन्होंने तो डिस्कवर किया था, तो इनको रेस्पेक्ट देने के लिए, इनको रेस्पेक्ट देने के लिए होता है ना कि किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए हम किस उन्हीं के नाम से कुछ चीज डिस्कवर कर देते हैं, तो टॉरी चिलाई जी को हमने रेस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम से एक यूनिट को डिस्कवर किया, टॉर। टॉर भी प्रेशर की ही यूनिट होती है हमारी, तो 1 टॉर बराबर कितना होता है, 1 टॉर 1 mm ऑफ एचजी, 1 mm ऑफ एचजी हो गया, इट मींस तो प्रेशर कितना हो जाएगा 1 mm ऑफ एचजी पे, पी पी की वैल्यू हो जाएगी 133 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप बोलोगे यार ये कैसे आ गई, यहां सुन लो फटाफट, P इज इक्वल्स टू रो जी एच रो की वैल्यू क्या हो गई, 13,600 इंटू 9.81, और H की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पर, H की वैल्यू कितना है, H कितना है, 1 mm, 1 mm फॉल होता है एक टॉर पे, यहां पर क्या है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितना फॉल हो रहा है, 760, और यहां पर हमने टॉरी चिलाई जी को रेस्पेक्ट देने के लिए जो हमने एक टॉर को हमने माना है, कितना माना है, 1 mm, वो 760 mm नहीं माना, 1 mm ऑफ एचजी माना, तो कितना आ जाएगा, मीटर में चेंज करोगे 1 mm को तो 0.001, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 1 टॉर कितना आ जाएगा, इसलिए 133 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल भी बोल सकते हो उसको, 760 पे तो कितना आता है, 101325 पास्कल बोलते हैं ना, तो ये हो गया। तो आज आप लोगों का प्रेशर मेजरमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहीं से सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए, चाहे आप अपना सेमेस्टर एग्जाम देख लीजिए, इंटरव्यू लेवल में भी यार यहीं से बनते हैं प्रेशर से क्वेश्चंस, ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो यार मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा, सिविल एजुकेशन बाय शुएब, तभी मज़ा आएगा, ठीक है, चलो ठीक है फिर, ओके थैंक यू, खुश रहिए।